और सीएम फ्लाइंग टीम और खुफिया विभाग की टीम ने संयुक्त ऑपरेशन के दौरान लाइसेंस के चल रहे फर्जी मेडिकल संचालन को प्रतिबंधित दवाइयों के साथ दबोचा है। आपको बता दें कि मेवात में लंबे समय से नशे के बढ़ावा देने वाले मेडिकल संचालकों के खिलाफ लगातार मुख्यमंत्री उड़न दस्ता और खुफिया विभाग की टीम द्वारा लगातार नशे पर अंकुश लगाने के लिए दबिश दी जा रही है, लेकिन इसके बावजूद भी जिले में कुछ मुनाफाखोर लोग नशे के कारोबार को बढ़ावा देने का काम कर रहे हैं। इस दौरान मुख्यमंत्री उड़न दस्ता और खुफिया विभाग की टीम ने संयुक्त ऑपरेशन चलाकर एक मेडिकल संचालक को प्रतिबंधित दवाओं के साथ धर दबोचा है। आपको बता दें कि विभाग द्वारा तुरंत कार्रवाई करते हुए दुकान को सील कर दिया गया है। वहीं पुलिस ने मौके पर डॉक्टरों की टीम की मौजूदगी में नशीली प्रतिबंधित जो दवाइयाँ हैं वो बरामद की है। 24 बोतल और 9 इंजेक्शन भी बरामद किए हैं। हरियाणा के मेवात से खबर आपको बता रहे हैं जहां प्रतिबंधित दवाइयों बरामद की गई है। मुख्यमंत्री उड़न दस्ता रेवाड़ी की टीम ने गुप्त सूचना के आधार पर आज नगीना के पास मरोड़ा गांव में जुबेर मेडिकल स्टोर पे सूचना थी कि बिना किसी परमिशन के, बिना किसी अनुमति के ये चल रहा है, जिसके आधार पे जो संबंधित विभाग से डॉक्टर साहब जो हैं उनके साथ जब ड्रग डिपार्टमेंट से जो अधिकारी हैं उनके साथ और पुलिस के साथ जब वहाँ रेड की गई तो उनके पास कोई ऐसा परमिशन सर्टिफिकेट ऑथोराइजेशन वो नहीं पेश कर पाए तथा जो दवाइयाँ चेक करी उसमें भी कुछ प्रतिबंधित दवाइयाँ मिली हैं, जिसके आधार पर डॉक्टर साहब ने जो तहरीर दी है लिख के, जिसके आधार पर स्थानीय पुलिस स्टेशन में FIR दर्ज की जा रही है और इनको भी पूछताछ के लिए IU के हवाले किया गया है और आगे नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। जो दवाइयाँ थी वो डॉक्टर साहब के द्वारा सारी की सारी सील कर दी गई है।